हेलो फ्रेंड्स, जॉयफुल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो पहले वाले नहीं देखे हों, हाई स्कूल के चैप्टर्स और इंटर के चैप्टर्स हमने कुछ चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज आप लोगों का चैप्टर चलेगा धारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करेंट। ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो हाई स्कूल में भी है और इंटर में भी है, यानी कि हम लोग हाई स्कूल के बिल्कुल लो लेवल से उठा करके हाई लेवल तक के, इंटर लेवल तक का हम इसमें एक बार में ही क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही बने रहें हमारे साथ और वीडियो का आनंद लें। सबसे पहले आप लोगों का आता है विद्युत धारा में कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश के बारे में आप लोगों को इसमें सबसे पहले जानना होता है कि विद्युत आवेश के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आवेश जो होता है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। पहली बात, आवेश आता कैसे है, कहाँ पे होता है, इस बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि परमाणु जो होता है वो भी आप लोगों का कुछ भागों में विभक्त हो सकता है। जैसे कि जो आप लोगों का परमाणु होता है वो एक खोखले गोले की तरह होता है। सबसे पहले आप लोगों का लिख लेते हैं परमाणु। परमाणु आप लोगों का एक खोखले गोले की भांति होता है, ये आप लोग का खोखला गोला बन मान लीजिए बन गया। और इसके बीचों बीच में एक नाभिक होता है, ये आप लोग का नाभिक है। नाभिक जो है इसमें आप लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये इन दोनों पे, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन जो होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है, यानी कि नाभिक के अंदर सारा जितना भी आवेश होता है वो आपका धनात्मक होता है। और इसके जो बाहरी खोखली कक्षाएं यानी खोखला भाग होता है उसमें सारे में सब चीज़ों में भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनों में आप लोगों का ऋण आवेश पाया जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही आप लोगों के वैद्युत आवेश होते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें भी आप लोगों के इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। जो आप लोगों के घरों में बिजली के तार पड़े हुए होते हैं उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन ही जाया करते हैं, जिससे हम लोगों के लाइट बल्ब पंखा ये सब वर्क करते हैं। तो यानी कि सबसे मेन जो चीज़ होता है टॉपिक वो होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केवल नाभिक के बीच में स्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति किया करते हैं। तो वैद्युत आवेश आप लोगों का आता है ना, वैद्युत आवेश इसी को कहते हैं। जब आवेश कोई भी हो, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें वैद्युत का आवाहन प्रवाहन होने लगता है। वैद्युत का आवाहन या प्रवाहन होने लगता है, आवाहन या प्रवाहन, इसी क्रिया को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। आवेश आप लोगों का दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है एक ऋण आवेश होता है। उसको हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक क्यों पे आप लोगों का प्लस का आवेश होता है, एक क्यों पे माइनस का होता है। जैसे हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था तब हमने बताया था कि प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे से अतिसूक्ष्म दूरी पर हों तो उस इस तरह बने निकाय को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले बता चुके हैं। अब आप लोगों का इसमें आ गया, आवेश खत्म हो चुका है। आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु में या किसी भी तार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें वैद्युत आवेशित वो छड़ या धातु वैद्युत आवेशित होती है, इसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश आप लोगों के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश एक होता है ऋण आवेश। इसके बाद में, लेकिन जब भी कोई वस्तु होती है या उस तार वगैरह होता है उसमें जब आवेश आपका प्रवाहित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उसमें ऋण आवेश ही जाता है। ऋण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहन की गति करता है। उसके बाद में आप लोग क्या आता है, इसके बाद में आप लोगों का आता है कि आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं। प्रवाह
यानी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो किन किन में हो सकता है और किन नहीं हो सकता है। सुचालक और कुचालक तो आप लोग जानते होंगे कि किसे कहते हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो अभी देख लीजिएगा। और उसी को ही हम लोग कहते हैं चालक या अचालक। सबसे पहले आप लोग के आवेश प्रवाह की दर से, आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार आप लोगों को देखने हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ के प्रकार, नंबर वन पे आप लोग को आता है चालक। चालक जो आप लोग का होता है उसी को हम लोग सुचालक भी कह लेते हैं, सुचालक। और नंबर टू पे आप लोग का आता है अचालक। अचालक जो आप लोग का होता है उसी को हम लोग कह लेते हैं कुचालक। उदाहरण से सहित हमने एक बार बताया था कि ये कैसे पहचाने जाते हैं आप लोगों के सुचालक हैं या कुचालक हैं। सुचालक वस्तुएं वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, और अचालक वे वस्तुएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है। पता कैसे किया जाता था वस्तु हमारी सुचालक है या कुचालक है? दो हम लोगों को तार लेने होते थे। सबसे ईजी तरीका हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, दो तार लेने के बाद में इन दोनों को आप लोगों को जोड़ना होता था एक बल्ब में, बल्ब में जोड़ने के बाद में यहाँ पर से एक तार को आप लोगों को बीच से कट कर देना होता है। कट करने के बाद में ये जो आप लोग के दो तार होते हैं इनको आप लोगों को किसी भी बोर्ड या स्विच में जोड़ना होता है। बोर्ड में जोड़ने के बाद में जब मान लीजिए आप लोगों को पता करना है वस्तु हमारी सुचालक है या कुचालक, तो उस वस्तु को हम लोग लेंगे और उस वस्तु को यहाँ पर हम इसके बीच में रख देंगे और एक सिरे से ये वाला तार टच करेंगे, दूसरे सिरे से ये वाला। अगर हमारी वस्तु सुचालक होगी तो हमारे ये बल्ब जलने लगेगा, अगर कुचालक होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। बस यही तरीका होता है किसी भी पदार्थ को सुचालकता और कुचालकता जानने का। थोड़ी हम लोग धातुएं बता देते हैं जो सुचालक होती हैं और कुचालक होती हैं। तरीका आप लोग सीख गए होंगे कैसे होता है, सबसे आसान तरीका यही होता है वस्तु की सुचालकता और कुचालकता जानने का। ये खुद हमारे द्वारा आजमाया हुआ वर्क है। जैसे कोई भी वस्तु सुचालक होगी, सुचालक कैसे होती हैं, जैसे कोई भी धातु होती है, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं दोनों के, एग्जांपल्स। नंबर वन पे कोई भी धातु होगी, जितनी भी धातुएं होती हैं सब विद्युत की सुचालक ही होती हैं। नंबर टू पे आप लोगों का आता है जैसे पारा है जो आप लोगों के थर्मामीटर में भरा होता है, वो भी विद्युत का सुचालक होता है। नंबर थ्री पे आप लोगों का आता है कोई भी अम्लीय चीज़ होती है, अम्लीय वस्तु में, ये भी विद्युत की सुचालक होती है। नंबर फोर पे आप लोगों का आता है हमारा शरीर, ये भी हम लोगों का विद्युत का सुचालक होता है। नंबर फोर हो गया। नंबर फाइव पे आप लोगों का जैसे कि विद्युत के तार हो गए या पृथ्वी हो गई। नंबर फाइव पे पृथ्वी। नंबर सिक्स पे जल, पानी में भी विद्युत का प्रवाहन होता है। अब आते हैं कुचालक पे। कुचालक क्या होते हैं? कुचालक जैसे आप लोगों के होते हैं सूखी लकड़ी हो गई, इसमें विद्युत का प्रवाहन नहीं होता क्योंकि जब भी हम लोग लाइट का काम करने जाते हैं तो उसमें सूखी लकड़ी से कर लेते हैं या प्लास्टिक से कर लेते हैं। नंबर टू पे आप लोगों की आ जाती है प्लास्टिक। आगे नंबर थ्री पे आप लोगों का रेशम है, रेशम में विद्युत का प्रवाहन नहीं होता। नंबर फोर पे आप लोग का आता है मोम, मोम में भी विद्युत का प्रवाहन नहीं होता। नंबर फाइव पे आप लोग का आता है रबड़ है, रबड़ में विद्युत का प्रवाहन
नहीं होता। आप लोग देखते होंगे जब भी हम लोग लाइट का काम करने जाते हैं तो हम लोग प्लास लेते हैं। प्लास के जो निचला सिरा होता है उसमें या तो प्लास्टिक लगी होती है या फिर रबर लगी होती है, इसीलिए हम लोग उसके लिए उसी प्लास का यूज़ करते हैं जो जिसके पीछे प्लास्टिक या रबर लगी हो या फिर और उसमें कोई भी कट ना हो। और आप लोग ये कैसे पता लगाएंगे हमारा जो शरीर है वो विद्युत का सुचालक या कुचालक? इसके पता लगाने के लिए जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत बार हम लोगों को करंट लगता है तो ऐसा लगता है कि लाइट ने हम लोगों को पकड़ लिया है। लाइट जो हम लोगों को ये पकड़ लेती है वो इसीलिए पकड़ लेती है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर के जो ब्लड में सेल्स होते हैं उसको वो अपनी ओर खींचने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है सारे सेल्स को अपनी ओर खींचने लग जाता है, इसीलिए इंसान की मृत्यु भी हो जाती है लाइट से। यही कारण है, इससे हम लोगों को पता लग जाता है हमारा जो शरीर है विद्युत का सुचालक है ना कि कुचालक। सुचालकता और कुचालकता के बारे में आप लोगों का आता है कि विद्युत ऊर्जा होती है उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा हम लोगों को किन किन रूपों में प्राप्त हो सकती है। विद्युत ऊर्जा तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि जिससे की मदद से हम लोग घर के जितनी भी लाइट वाली चीज़ें होती हैं उन सबका यूज़ करते हैं। उनको प्राप्त किन किन जरियों से कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा को? उनको प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, विद्युत ऊर्जा नंबर वन पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो है जल द्वारा, वो सूरज द्वारा यानी कि सौर ऊर्जा की मदद से। नंबर टू पे जल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जल ऊर्जा। नंबर थ्री पे आप लोग का आता है पवन ऊर्जा यानी कि हवा के द्वारा भी हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। इतने जरिए होते हैं बताओ लाइट बनाने के, फिर भी हम लोग डिपेंड किन पे होते हैं? ये जो पावर हाउस से लाइट आती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है यानी कि परमाणु जो होते हैं उनके नाभिकों से भी ऊर्जा हमको प्राप्त हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा। नंबर फाइव पे आप लोगों का आता है रासायनिक ऊर्जा यानी कि ये जो आप लोगों के सेल वगैरह होते हैं, रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद में आप लोग का आता है सिक्स नंबर पे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। नंबर सेवन, सेवन पे आप लोग का कौन सा आएगा? ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि किसी भी चीज को गर्म करके, ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट आप लोग का होता है एट नंबर पे वो आता है प्रकाश वैद्युत सेल, प्रकाश वैद्युत सेल। इतने सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ से ऊर्जा को प्राप्त करने का। सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त से ऊर्जा कैसे बनती है? सौर ऊर्जा जो आपकी होती है वो एक प्लेट की तरह से होती है जिसमें सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से आप लोगों की प्लेट में चौकोर के बॉक्स बने हुए होते हैं जिसके अंदर तांबे और पीतल के तार पड़े हुए होते हैं, उनसे जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो उस पे एक प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है और वो उनके द्वारा जब हम लोग तारों से किसी भी चीज़ को जोड़ देते हैं, पंखों को या चार्जर लगा के मोबाइल को जोड़ लेते हैं, तो हमारा वो वर्क करने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। जल ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? जल से ऊर्जा कैसे मिलेगी आप लोग ये सोच रहे होंगे। अब जल जल के जो जल से ऊर्जा नहीं मिलती है, जल के बहाव से ऊर्जा हम लोगों को मिलती है। जल के बहाव से यानी कि जल जितनी भी स्पीड में बहेगा उतनी ज़्यादा हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जल के अंदर हम लोग एक लगा देते हैं पंखा जैसा होता है, पंखे को लगा देंगे, जब जल बहाव में बहेगा तो पंखा आप लोगों को घूमने लगेगा और किसी भी चीज़ में जितने ज़्यादा राउंड जितनी जल्दी जल्दी होंगे उतनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि साइकिल होती है, साइकिल से आप लोगों की बना देते हैं ऊर्जा,
साइकिल के पीछे आप लोगों का लगा देंगे, बल्ब लगा लेंगे पीछे वाले टायर पे, और पैडल घुमाने से उसमें वो बल्ब जला लेते हैं, यानी कि एक बार में जितनी जल्दी उसमें राउंड बनेंगे उससे भी वो लोग बल्ब को जला करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप लोगों का आता है पवन ऊर्जा। जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा क्या होता है? पवन ऊर्जा जैसे जल ऊर्जा काम करती है वैसे ही पवन ऊर्जा भी काम करती है। पवन ऊर्जा में आप लोगों का जब हवा तेज चलती है तो हवा की मदद से पंखे, जैसे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं कई जगह पे, तो वो जब पंखे घूमते हैं तो उससे भी आप लोगों की ऊर्जा प्राप्त होती है और वो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आप लोगों की अब आती है नाभ की ऊर्जा। नाभ की ऊर्जा नाभिक से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? नाभ की ऊर्जा आप लोगों के शुरुआत में ही हमने बताया था कि नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये आप लोग का खोखला भाग होता है, इसके बीच में आप लोग का नाभिक होता है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जितनी स्पीड में गति करेंगे उससे उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलती रहेगी हम लोगों को, इससे हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में आप लोगों का नंबर नेक्स्ट आता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? यानी आप लोग के वैद्युत सेल हो गए या बैटरी हो गई, इन सबसे रासायनिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसमें हम किसी भी वैद्युत को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बैटरा आप लोग के होते हैं, बैटरा आप जब लाइट आती है तो बैटरी को चार्ज कर लेते हो, और उसके बाद में इन्वर्टर की सहायता से आप लोग उसको वैद्युत ऊर्जा में चेंज करके फिर से रीयूज कर लेते हो, यानी कि उसको यूज़ कर लेते हो। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यानी कि बैटरा एक बार चार्ज कर लोगे तो वो हमेशा आप लोग को अधिकतर समय तक चार्ज रहता है। वही काम आप लोगों का सेल में भी होता है, जो दुकानों पर आप लोग 5-5, 6-6 रुपये के खरीद के लाते हो, ये आप लोग रिमोटों में, टीवी घड़ी में, इन सब में यूज़ कर लेते हो। ये भी आप लोग का रासायनिक ऊर्जा का ही उदाहरण होता है। आगे आप लोग का आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा जो आप लोगों की होती है वो होती है, जैसे आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर के अंदर एक पंखा जैसा लगा होता है। अब जनरेटर में जब पंखा लगा होता है उसमें भी आपके जो पंखे होते हैं वो राउंड जितने ज़्यादा बनाएगा उतनी ज़्यादा वो लाइट का उत्पादन करेगा। पंखा जो उसमें घूमता है जनरेटर में, वही आप लोगों की लाइट बनाता है, इसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है आप लोगों की, वो होती है किसी भी चीज़ को गर्म करने से आप लोगों की जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है आप लोगों की, धातु हो गई या मोटे मोटे तार हो गए, उनको एक बंद करके परिपथ बना लेते हैं, उसमें जब हम ताप यानी उसको गर्म करते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। आगे आप लोग का आता है प्रकाश वैद्युत सेल। प्रकाश वैद्युत सेल किसे कहते हैं? प्रकाश वैद्युत सेल उसे ही कहते हैं जो आप लोगों ने सौर ऊर्जा वाले में पढ़ा था। सौर ऊर्जा वालों में आप लोगों ने पढ़ा था जैसे सौर की, सूरज की मदद से आप लोग चार्ज करते हैं बैटरी, वो किसी भी चीज़ को चार्ज कर लेते हैं, उसको लाइट के रूप में प्रयोग में लाते हैं। उसी मदद से, उसी तरीके से आप लोग का प्रकाश वैद्युत सेल भी कार्य करता है, यानी सौर ऊर्जा जो आप लोग का होता है वो सेम प्रकाश वैद्युत सेल की तरह काम करता है। आगे इसमें आप लोगों की अगली हेडिंग आती है वैद्युत विभव या विभवांतर किसे कहते हैं। वैद्युत विभव के बारे में आप लोग पहले जान चुके थे वैद्युत विभव वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले वीडियो में। अगर वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वैद्युत विभव वाला चैप्टर हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। वैद्युत विभव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। कौन सी हेडिंग आएगी? वैद्युत विभव या विभवांतर। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? वैद्युत विभव जो होता है हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, W/Q होता है, कार्य और आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। इतनी सरल सी परिभाषा है, फार्मूले से याद करिए बहुत जल्दी याद होगी। कार्य और आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं, लेकिन ये कार्य होता किनके बीच में है? प्लस क्यों और माइनस क्यों आवेश के मध्य में, ये हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत विध्रुव आघूर्ण में। प्लस क्यों व माइनस क्यों आवेश के बीच में वैद्युत विभव आप लोगों ने निकालना सीखा था अच्छी व निरक्षी स्थिति की सहायता से। उसी में आप लोगों ने वैद्युत विभव जब निकाला था तो V=W/Q सूत्र का यूज किया था। आगे आप लोगों का आता है विभवांतर। विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर जो आप लोग का होता है, इसमें अगर हम लोग
एक जूल वर्क कर दें और एक कूलाम आवेश कर दें, तो इसके अनुपात को आप लोग कहेंगे विभवांतर। सेम वही परिभाषा होती है, एक जूल किए गए कार्य तथा एक कूलाम आवेश पर एक किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। बुक की परिभाषा याद करना चाहते हो तो बुक की परिभाषा आप लोगों की इस तरह से होती है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने के लिए उसमें किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। वही परिभाषा आप लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, किसी भी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होगी, कार्य तथा आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। बुक की परिभाषा से सरल आप लोगों की ये परिभाषा रहेंगी। अगर आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सबसे जितने भी आप लोगों के बुक के सारे फार्मूले हैं एक जगह पे लिख लीजिए, उन्हीं से परिभाषा बना लीजिए। सारी परिभाषा बिना बुक की सहायता से आप लोग याद करना सीख जाएंगे। जितनी भी परिभाषा आप लोगों की होती हैं सब फार्मूले से बनती हैं, अगर आप लोग फार्मूले से बनाना सीख पाते हैं तो। अगर बुक पे डिपेंड रहेंगे तो बुक हमेशा आप लोगों को लंबी लंबी परिभाषाएं देगी और वो आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। फार्मूले से अगर परिभाषा बना के याद करेंगे तो वो आप लोगों के आंकिक प्रश्न में भी काम आएंगे और साथ ही आप लोगों की परिभाषा थ्योरी में भी काम आएगी। इसके बाद में आप लोगों का आता है वैद्युत धारा किसे कहते हैं, जो आप लोगों के चैप्टर का नेम है। यानी कि इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे तो अभी तक आपका चैप्टर का नेम है वही वाली, अभी तक आप लोगों ने परिभाषा नहीं पढ़ी। अब आप लोगों का समझ लीजिए मेन चैप्टर यहाँ पर से चालू हो रहा है। कौन सा चालू होगा, वैद्युत धारा। अब आप लोगों का यहाँ पर से समझ लीजिए चैप्टर ये चालू हो गया। वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा जो होती है आप लोगों की आवेश हम लोगों ने बताया था कौन सा होता है, ई पर माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी जल्दी जल्दी आप लोगों के जाएगा उसी को उतनी ज़्यादा धारा उत्पन्न होती है, उसी को आप लोगों के वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि I बराबर आप लोगों का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q/T। 1 सेकंड में जितने ज़्यादा आवेश उसमें प्रवाहित होंगे उसी को धारा कहेंगे। I से आप लोग का धारा का प्रतीक हो जाता है। 1 सेकंड में किसी भी तार में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या या जितनी ज़्यादा मात्रा में आवेश प्रवाहित होगा उसे की धारा कहेंगे। लेकिन परिभाषा आप लोग कैसे लिखेंगे, जब परिभाषा लिखनी होगी तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर आप लोग का फार्मूला क्या होता है, Q/T। ये आप लोगों की धारा की परिभाषा होती है। यदि परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पियर ही होती है। यानी कि क्यों जो आप लोगों का होता है वो कूलाम में होता है, टी आप लोगों का सेकंड में होता है। 1 सेकंड में 1 कूलाम जब आवेश प्रवाहित होगा तो उसमें 1/1 यानी कि आई का मान आप लोगों का 1/1 होगा। 1/1 में लिखा नहीं जाता, आप लोगों का आई का मान हो गया 1। धारा जो होती है उसका मात्रक आप लोगों को क्या होता है, एम्पियर। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन धारा का मात्रक हम लोग यूज कौन सा करते हैं, एम्पियर वाला। जब ऊपर क्यू का मान और वन टी का मान आप लोग का 1:1 हो जाएगा तो धारा का मान वैसे भी 1 ही हो जाएगा। इसके आगे आप लोग का आता है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम भी बहुत ही सरल परिभाषा है। ओम का नियम, ओम के नियम के लिए लिए मान लीजिए एक चालक है। चालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाहन हो सकता है, यह चालक हो गया। इसके ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन किए बिना यदि इसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उसकी धारा का मान जो होता है वो नियत रहता है, यानी कि वही मान रहता है। धारा का मान नियत रहेगा तो नियत को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नियतांक।
नियतांक। यदि किसी भी चालक के ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन किए बिना उसमें विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो उसमें धारा का अनुमान जो होता है वो नियत रहता है, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। तो आप लोगों का फार्मूला इससे क्या बनेगा, वी अपान आई बराबर नियतांक। नियतांक आप लोग को क्या मान लिया जाता है, एर वो आर। तो इसमें फार्मूला आपको बन जाएगा वी बराबर आई आर, जहाँ पे वी होता है आपका विभवांतर, आई धारा और आर प्रतिरोध हो जाता है। आगे आप लोगों का आएगा इसमें प्रतिरोध के बारे में जानना। पहले इसमें ओम का नियम आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये आप लोग का चालक हो गया, इसकी भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब सांद्रण में परिवर्तन ना किया जाए तो इसमें विभवांतर जब उत्पन्न किया जाता है तो उसमें धारा का अनुपात नियत रहता है, यानी कि धारा का मान उसमें चेंज नहीं होता है। तो वी अपान आई बराबर नियतांक हो जाता है, नियतांक आपका आर माना जाता है। आर जब मान लिया जाता है तो आई जो आपका डिवाइड में दे रखा है उस तरह मल्टीप्लाई में जाएगा, वी बराबर आई आर, यहाँ पर से इसका फार्मूला निकल आता है। वी यहाँ पे आपका विभवांतर है, आई आपकी धारा है और आर आपका प्रतिरोध है। आगे प्रतिरोध के बारे में आप लोग जान लीजिए, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध के बारे में जानने के लिए वैसे कोई खास नहीं है, यहाँ पर इसे आप निकाल सकते हैं, आर बराबर वी अपान आई, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा से अगर वो फार्मूले से आप लोग परिभाषा बनाना जानते हैं तो विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, सबसे सरल परिभाषा बिना फार्मूले के, मतलब बिना थ्योरी के परिभाषा बनाना सीखिए। अगर आप लोगों के विभवांतर की परिभाषा आ जाए तो विभवांतर की परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को विभवांतर कहते हैं, सबसे सरल परिभाषा। इनमें सीधे फार्मूले से बना सकते हैं। आगे इसमें आप लोग को आता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ये मान लीजिए आप लोग का एक चालक है जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल इसका A है। तो इसमें जो प्रतिरोध होता है R, वो आप लोग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर वन पे लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसमें लिख देते हैं अनुक्रमानुपाती एल अपान ए। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने के बाद में यहाँ पे आप लोग को एक नियतांक जोड़ना पड़ता है, के जोड़ लेते हैं। के जो होता है यहाँ पे आप लोग का, वही आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये आप लोग का डिवाइड में दे रखा है, इस तरह मल्टीप्लाई में जाएगा, आर के साथ में ए मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल जो है आप लोग का डिवाइड में चला जाएगा। बस ये आप लोगों का होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का फार्मूला। इसका अगर मात्रक निकालना है तो मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक जो होता है आप लोग का आर, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक आप लोग का होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पे मीटर और एक मीटर कट जाएगा, यानी कि प्रतिरोधकता का आपका मात्रक जो होगा वो आएगा ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। इसके बाद में आप लोगों के आते हैं, अगर कोई भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनमें नियतांक क्या प्राप्त होता है हम लोगों को। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम प्रतिरोधों को 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें क्या मान आएगा। नंबर वन पे आप लोग का आता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इनको हम लोग को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े जाते हैं, यानी कि कोई भी चीज होंगी लाइन से जुड़ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग का एक प्रतिरोध ये जुड़ गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, तीसरा प्रतिरोध आपका ये हो गया।
इसके बाद में यहाँ पे आपकी बैटरी जुड़ जाती है, यहीं पे पास ही में आप लोग के कुंजी लगा दी जाती है। इसके नामकरण कर लेते हैं ABCD, ए से लेकर बी तक कर लेते हैं सीधे। यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ पे आप लोगों को पूरे परिपथ में बताना है प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इसमें धारा I प्रवाहित करनी है आप लोगों को। सबसे पहले जब धारा I प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी आप लोगों की जगह है पूरे परिपथ में धारा I ही बहेगी, क्योंकि आप लोगों की धारा यहाँ से प्रतिरोध से जाते हुए पूरे परिपथ में I धारा बहेगी। लेकिन इनका विभव जो होगा वो अलग अलग होगा, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। भाषा आप लोग जैसे फिगर बनाए उसी हिसाब से भाषा लिखनी है। भाषा लिखने के आप लोगों के तरीके हम लोग पहले भी उसमें जब संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताया था उसमें आप लोगों को भाषा कैसे लिखनी है वो बता दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे V1 की वैल्यू। V1 की वैल्यू देखिए, V1 की वैल्यू V बराबर IR आप लोग का फार्मूला होता है, उसी से आप लोग के ये सवाल लगेंगे। V1 क्या होगा? IR1। आगे इसको समीकरण एक मान सकते हैं। V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या होगी? IR2, नंबर 2 मान लीजिए इसको। V3 की वैल्यू क्या होगी? V3 की वैल्यू होगी आपकी IR3। ये तीन हो गई। जब V की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? V1 होगा प्लस V2 होगा प्लस V3 होगा, तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो V1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? IR1 प्लस में आपका हो जाएगा IR2 प्लस में आपका हो जाएगा IR3। V बराबर आप लोग का होता है IR, यहाँ पर से आप I कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस में R3। यहाँ पे I और I आपका कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आप लोगों की आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन संधारित्र जब आप लोगों ने पढ़ा था तब आप लोगों की क्या मान आया था उसमें? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आप लोगों का मान आया था संधारित्र की धारिता का व्यंजक में जब श्रेणी क्रम पढ़ा था ये। लेकिन प्रतिरोध वाला आपको मान निकालना है कि आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे आप लोगों का इसमें आता है समांतर क्रम का निगमन कैसे होता है। समांतर क्रम वाला देख लीजिए, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे सरल चैप्टर आप लोग को यही लगेगा इसमें। और सबसे अच्छी बात तो ये आप लोगों की हाई स्कूल में, आप अगर इंटर में पढ़ रहे हो इस समय तो हाई स्कूल में आप लोग ये पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोग हाई स्कूल में हो तो आप लोगों को बेनिफिट होगा इंटर में, अगर आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग को आएगा अब समांतर क्रम, श्रेणी क्रम हो गया। देखिए समांतर क्रम कैसे होता है। समांतर क्रम संयोजन, अब कि आप लोगों को ये प्रतिरोध जो जोड़ने हैं वो समांतर क्रम में जोड़ने हैं, तीन ही जोड़ लेते हैं हम। ये आपका पहला प्रतिरोध, ये दूसरा और ये तीसरा, इसको हम लोग जोड़ लेंगे एक बैटरी और कुंजी की सहायता से। यहाँ पे आपकी ये बैटरी लग गई और आगे आपकी लग गई कुंजी। प्रतिरोध आपका वही रहेगा R1 R2 और R3। यहाँ पे आप लोग इसके धारा जब प्रवाहित करेंगे I, तो यहाँ पे आप लोग की धारा अलग अलग पार्टों में हो जाएगी। यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, यहाँ पे I3 हो जाएगी। लेकिन इनका विभव हमेशा हर जगह पे समान रहेगा आपकी। आप लोगों ने V बराबर IR फार्मूला पढ़ा था, V बराबर IR। अगर इसमें I बराबर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? V/R। सबसे पहले आपको मान किसका निकालना है? I1 का। I1 का मान कितना हो जाएगा? V/R1, ये समीकरण एक मानिए। I2 की वैल्यू कितनी होगी? V/R2, ये समीकरण दो हो गए। I3 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? V/R3, ये समीकरण हो गई तीन। अब संपूर्ण I का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर आप लोग क्या होगा? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I बराबर आप लोग का होता है V/R। इसमें ऊपर V कॉमन मिल रहा है, आप लोग V कॉमन निकाल लीजिए। अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
वी और वी कैंसिल, आप लोग का फार्मूला क्या बनेगा, वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस में वन अपान आर थ्री, ये आप लोग का इसका फार्मूला बनता है। ये है आप लोगों के प्रतिरोध का। लेकिन जब आप लोगों ने संधारित्र की धारिता का इसमें फार्मूला पढ़ा था तब आपका क्या आया था, सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी कि उल्टा होते हैं संधारित्र और प्रतिरोध एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब इसमें श्रेणी क्रम में हम लोगों ने संधारित्र का पढ़ा था तब आप लोगों का वन अपान सी बराबर वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री आया था, और प्रतिरोध में आया था आर वन बराबर मतलब आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। लेकिन जब आप लोग समांतर क्रम में प्रतिरोध का पढ़े हैं तब आपका आ रहा है वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री, और संधारित्र का आ रहा था सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का ये जो हाई स्कूल का कोर्स होता है वो यहाँ पे आप लोग का हाई स्कूल का कोर्स खत्म हो जाता है। इसके बाद में आप लोगों के आंकिक प्रश्न बचते हैं और इंटर लेवल का जो प्रतिरोध का चैप्टर है वो कल कराया जाएगा, यानी कि हाई स्कूल का लेवल जितना भी था आप लोग का वो आज कंप्लीट कर दिया गया है। इंटर लेवल के जितने भी इसमें थ्योरी है आंकिक प्रश्न है, आंकिक प्रश्न जो होते हैं आप लोगों के इंटर लेवल और हाई स्कूल लेवल के जहाँ तक के सेम ही आते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है वो थोड़ी चेंज होती है। जैसे अभी आप लोगों ने इसमें पढ़ा था ओम का नियम क्या होता है, लेकिन इंटर लेवल में जब आप लोग पहुँचोगे तब इसमें ओम का नियम नहीं आएगा बल्कि आएगा अनओमी नियम किसे कहते हैं, बस यही चेंज होता है इसमें। और आंकिक प्रश्न जो होते हैं वो अधिकतर सेम ही होते हैं, वी बराबर आई आर वाले फार्मूले वही लगते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जगह करें और अपनी यूट्यूब की फैमिली को बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ ही हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए तथा आप लोगों को जो भी हम लोगों से बात करनी है, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम पे आप लोग जाकर के पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा।